बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए अंबिका विहार में मैं मौजूद हूँ। क्या बात है भाई, आप लोग घर में भी इतने हल्ला मचाते हैं क्या? घर में नहीं मचाते हैं हल्ला। कोई नहीं कोई नहीं, कुछ आराम से आराम से आराम से आराम से, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, प्लीज प्लीज मेरे भाई भाई, इस बार नहीं अगली बार आपको मिलेगा, इस बार नहीं मिलेगा, आराम से आराम से आराम से। खड़े नंदी जब आप हल्ला मचाते हैं इसीलिए वो आ गए दिल्ली पुलिस। पक्का पक्का नहीं मिलाएंगे? पक्का पक्का पक्का, ठीक ठीक। प्रतीक जी, मैं बीजेपी वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो कहते हैं केजरीवाल, केजरीवाल झूठ बोलता है, हर मुद्दे पे झूठ बोलता है, मगर मुद्दों का भंडार ही यही है। आज की डेट में दिल्ली में सीएम केजरीवाल के सामने बीजेपी का कोई बंदा, अगर किसी ने दिल्ली जीतनी है, बीजेपी वालों ने, इनसे ये मैं कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी वालों ने दिल्ली जीतनी है तो उसके सामने जितने इनके राज्य में इनकी सरकारें हैं उनमें कुछ केजरीवाल जैसा काम करके दिखाएं। मैं आ गया जी जी, हाँ जी, सीएम ने काम करा है और आगे ये करेंगे। सीएम ने काम किया है, आगे भी करेंगे जी। केजरीवाल हमारे इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा सोने वाला इंसान है, कुंभकर्ण। अरविंद केजरीवाल ने 4.5 साल तक सोते रहे, इसके बाद घोषणाएं की और सबको फ्री में बांटते रहे। ये कोई एक चीज बता सकते हैं कि इन्होंने क्या पुल बनाया, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई IIT बनाया? देश की राज्य की तरक्की देखी जाती है। मैं आ गया, मैं आया आया जी जी जी, मैं आ गया मैम, आ गया, ऑफकोर्स आई विल कम टू यू जी जी, आया सर सर आ गया जी जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, खड़े रहिए चुपचाप वहीं पे, मैं आऊंगा जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देखिए अगर आप हल्ला मचाएंगे तो मैं शो बंद कर दूंगा। प्लीज प्लीज, अगर आपने हल्ला अगर मचाया अभी तो मैं शो बंद कर दूंगा, मैं 100% कह रहा हूं। और मुझे बिल्कुल मत सोचिए मैं बंद ना, सर प्लीज करिए आप जी। सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरीके से देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, हम देखते हैं आज नेता शब्द गाली हो गई, जबकि नेताजी के आगे सम्मान के रूप में लगाया गया था नेताजी। और आज मुद्दों की बात नहीं होती, बात होती है बहुत गंदे तरीके से मजहबी मतलब उन्माद फैला करके, ये बिल्कुल गलत है। चाहे कोई भी पार्टी करे, मैं कहती हूँ चाहे BSP हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चुनाव में आए हो, चुनाव में मुद्दों की बात करो, जनता के हित की बात करो। भाषा का स्तर गिर गया है, ये एक मुद्दा है। और आपके नेता तो बड़ा पता नहीं क्या कह रहे हैं कि गोली मारो, ये खड़े हुई साहब। यहाँ नांगलोई विधानसभा के अंदर बहुत ही प्यार प्रेम से सब चुनाव लड़ रहे हैं जी। और यहाँ पर मुद्दा जो 20 साल से जो हॉस्पिटल बनना था ज्वालापुरी में चंद्रबलनाथ, नहीं बनाया, नारियल तोड़े गए। यहाँ पर कोई नए स्कूल बनने थे, नहीं बने। यहाँ पे आर्किटेक्चर कॉलेज की जगह है, वो नहीं। टर्मिनल बनाना था, वो नहीं बनाया। और बहुत फ्लाईओवर बनाना था, ट्रैफिक जाम की समस्या है, वो नहीं बनाया। यहाँ पर बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। पिछले 20 साल में नांगलोई विधानसभा को बहुत पीछे धकेल दिया जी। जी जनाब, जी जनाब, ये हॉस्पिटल की बात करते हैं, प्लीज प्लीज लो 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 नहीं, क्या प्लीज प्लीज मैम, क्या कर रही हैं आप? मैं आपको लो प्लीज, मैं आपको यहाँ से, मैं आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ से कर दूंगा मैं, प्लीज लो। ये हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, 100-200 बेड के हॉस्पिटल की बात करते हैं। ये पैसा सैंक्शन हुआ, ये टेंडर लगा हुआ, जो 10 टेंडर लगा हुआ, इन्होंने सिर्फ बात की, कभी पैसा सैंक्शन नहीं कराया, कभी टेंडर नहीं लगवाया। ये टेंडर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, नेट पे जा सकते हैं, कहीं देख सकते हैं। ये झूठ के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस जिस हॉस्पिटल की ये बात कर रहे हैं, उसका नींव शीला दीक्षित जी रख के गई थी, जिसको 5 साल में केजरीवाल बनवा भी नहीं पाया इस नांगलो विधानसभा के अंदर जी। जी जी, मैं संदीप कुमार जी नांगलो विधानसभा से। जो नारियल की बात कर रहे हैं,
ये जो नारियल जो फूटे थे पहले डॉक्टर बिजेंद्र साहब ने फोड़े थे, उसके बाद मनोज शौकीन साहब ने फोड़े, उसके बाद रघुविंदर शौकीन जी ने भी फोड़ा, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। अब जब हम जीत कहेंगे तो हम ये पहला काम करेंगे, हम वो हॉस्पिटल बनवाएंगे बाबा दुर्बलनाथ जी की।